शूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शांति शांति। केन उपनिषद के द्वितीय मंत्र के वाक्य भाष्य के ऊपर चल रहा है। वाक्य भाष्य के ऊपर 21 नंबर पृष्ठ है। कौन सा? 21 नंबर पृष्ठ है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम ये चल रहा है ना। तो श्रोत्र में जो श्रोत्रत्व है वो अनित्य है। जैसे उदक में गर्म जल में जो दग्धित्व है वो अनित्य है, धन में कि नहीं, ऐसा कहा। तो क्रिया के लिए करण की अपेक्षा होती है, क्रिया के लिए करण की अपेक्षा होती है, और नित्य के लिए करण की अपेक्षा नहीं होती है। और आत्मा का जो स्वरूप चैतन्य है वो तो नित्य है, उसके लिए श्रोत्र इंद्रिय आदि करण की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या दिया? जो अनित्य ज्ञान के लिए करण की अपेक्षा होती है, आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान के लिए करण की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है आप लोग के? हाँ, ईयरफोन लगाने से ठीक हो रहा है, नहीं तो ट्रैफिक की आवाज़ होती है। अच्छा, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, अब तो ठीक है, फिर ईयरफोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो आया, हाँ थोड़ी सी टीका देख लो, 21 नंबर पृष्ठ के टीका है, नीचे से चौथी पंक्ति है, नीचे से चौथी देख लो। प्रमातुर यत संबंधात अनित्यम उपलब्धृत्यम भवति बुद्धि परिणामेश तोत्रादिकरणम बुद्धिवृत्ति अपेक्षया भवति इत्यर्थ। कहते हैं जो प्रमाता है ना, प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चेतन हो गया, प्रमाता चिदाभास को कहते हैं प्रमाता, ठीक है ना। उसमें जो उपलब्धित्व है ना, उसमें जो उपलब्धित्व मतलब जानना, मतलब चिदाभास को जो ज्ञान होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान, ये उपलब्धित्व है। ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये क्या है? अनित्य। अनित्य चिदाभास को जो घट ज्ञान पट ज्ञान होता है वो नित्य ज्ञान नहीं होता, अनित्य ज्ञान होता है। तो कहते हैं यत संबंधात अनित्यम उपलब्धित्वम भवति कस्य प्रमातुहु, प्रमातृ का षष्ठी वचन प्रमातुहु, जैसे पितृ का षष्ठी वचन पितुहु, इसी प्रकार से मतलब प्रमाता का जो उपलब्धित्व अनित्य है, जिसके संबंध से यत संबंधात मतलब इंद्रिय के संबंध से, चक्षु इंद्रिय के संबंध से दृष्टित्व है चिदाभास में, श्रोत्र इंद्रिय के संबंध से क्या है जो है श्रोतृत्व ले लो, और क्या है श्रोतृत्व है, ठीक है ना, इसी पे कर ले लो। तो कैसे हो रहा है? बुद्धि परिणाम ही, बुद्धि में परिणाम होता है, मतलब बुद्धि का व्यापार होता है, बुद्धि है उपाधि, बुद्धि का वृत्ति रूपी परिणाम के कारण इंद्रिय के संबंध से चिदाभास में अनित्य ज्ञान होता है, आगे ना। तो इसलिए श्रोत्रादि हो गए करणम, श्रोत्रादि करणम, इसलिए श्रोत्र है, चक्षु है, ये सब करण हो गए, अलग अलग पद है ये, श्रोत्रादि तत्
सूत्रादि करणम तत् अलग पद है। छोत्रादि सकार को छकार हो गया, किससे? सकार को छकार किससे होता है? हलंतम किससे होता है? सास छोटी। सूत्रादि करणम, सूत्रादि अलग पद है, करणम अलग पद है। बुद्धिवृत्ति अपेक्षा या है, देखो इसलिए बुद्धिवृत्ति, बुद्धि है अंतकर्ण, बुद्धि क्या है? अंतकर्ण। तो अंतकर्ण में जो वृत्ति रूपी ज्ञान होगा उस ज्ञान के लिए सूत्राधिकरण है, और साक्षी का जो स्वरूप भूत ज्ञान है नित्य चैतन्य, उसके लिए सूत्राधिकरण की अपेक्षा नहीं है, है ना? हाँ, शब्द ज्ञान के लिए सूत्रादि की आवश्यकता है, सूत्र की आवश्यकता है, रूप ज्ञान के लिए चक्षु की आवश्यकता है, ऐसा समझ में है ना? ये कह रहे हैं बुद्धिवृत्ति करने से अनित्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान के लिए बुद्धिवृत्ति मतलब अनित्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान के लिए सूत्रादि करण होते हैं, ठीक है ना? साक्षी को जो स्वरूपभूत ज्ञान है उसके लिए करण की अपेक्षा नहीं है। पंक्ति लग गई आप लोगों को सबको भी? चलो लग गई ना, ऐसे बोलते हैं, ये सब काशी में बोलते थे ना गुरु जी लोग, वही संस्कार है। हाँ लग गई। लग गई मतलब पंक्ति समझ में आई, लग गई ये बोलते हैं। ये सब है। आगे देखो, आगे है टीका है, श्रोत्रादि संगते प्रमातरी अनित्य उपलब्धित्व संभवे अपि तब असंगस्य साक्षिणः कथम उपलब्धित्व, कथम उपलब्धित्व व्यपदेशः इति आशंक्य आह। श्रोत्रादि संगते, श्रोत्रादि है इंद्रिय, उसका संबंध होने के कारण है ना, अंतकरण में परिणाम होकर के प्रमाता चिदाभासा में उपलब्धित्व संभव है। कैसा उपलब्धित्व? अनित्य, हो गया ना? प्रमातरी, प्रमात्री का सप्ती सप्तमी एक वचन प्रमातरी, जैसे पितरी का पितरी, इसलिए प्रमात्री का प्रमातरी, प्रमात्री बोलते हैं चिदाभास को, इसलिए प्रमाता में चिदाभास में अनित्य ज्ञान संभव है। संभव होने पर भी तुम्हारा साक्षी तो असंग है, चिदाभास तो असंग नहीं है, इसका संबंध हो जाएगा मन के साथ इंद्रिय के साथ। तुम्हारा साक्षी तो असंग कहते हो, साक्षी असंग होने से कथम उपलब्धित्व, ये साक्षी सबको जानने वाला कैसे कहोगे? उसका संबंध बनेगा तब तो जानने वाला कहोगे, नहीं तो कैसे कहोगे? ये कहने का मतलब कथम उपलब्धित्ता व्यपदेश, साक्षी सबको प्रकाशित करता है, जानता है, ये जो व्यवहार करते हो शब्द प्रयोग, व्यपदेश मतलब शब्द प्रयोग, ये कैसे कहोगे तुम? ये व्यवहार कैसे होगा? इति आशंक्य, तो उत्तर क्या दे रहे हैं? यत्र तु, ठीक है, मतलब जिस साक्षी में, भाष्य देखा करो, यत्र तो नित्य उपलब्धित्वम, जहाँ पर नित्य उपलब्धित्व है, नित्य प्रकाश है साक्षी में, जो प्रकाश है ना वो नित्य प्रकाश है, चिदाभास में जो प्रकाश है वो नित्य प्रकाश नहीं है, लेकिन साक्षी यत्र मतलब साक्षिणी, जिस साक्षी में उपलब्धित्वम मतलब नित्यम उपलब्धित्वम, ठीक है ना, वो तो नित्य उपलब्धा है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। जैसे कह दिया अग्नो इव औष्ण्यम, अग्नि में उष्णता है, कहीं आता है कि जाता है? वो तो नित्य ही है, उत्पन्न थोड़ी होता है, उसका स्वभाव है वो। इसी प्रकार साक्षी का जो है चैतन्य, वो तो स्वभाव है वो, उसका स्वरूप है वो, है कि नहीं? चिदावास का स्वरूप चैतन्य नहीं है, साक्षी का स्वरूप चैतन्य है, ये बोलते हैं। जैसे अग्नौ इव औष्ण्यम, देखो विच्छेद कैसे गया, अग्नौ इव औष्ण्यम, अग्नौ के औ को आव हो गया, एचो यवा
या वह बराबर है। इले सह इले वही साक्षी नित्य उपलब्धि स्वरूपत्व, ये साक्षी जो है ना नित्य ज्ञान स्वरूप है, साक्षी नित्य ज्ञान स्वरूप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चाहे वृत्ति रूपी ज्ञान हो चाहे वृत्ति रूपी ज्ञान ना हो, और वृत्ति को ही प्रकाशित करता है, वृत्ति के अभाव को ही प्रकाशित करता है। अहम घटम जानामि अहम घटम न जानामि, चाहे घट ज्ञान हो चाहे घट ज्ञान ना हो, साक्षी तो सबको प्रकाशित करेगा ही कि नहीं जी। जैसे मान ली यहाँ पर प्रकाश हो है तो मोबाइल रहेगा तो मोबाइल का ज्ञान होगा, मोबाइल दिखेगा, और मोबाइल जो नहीं रहेगा तो प्रकाश कहीं चला जाएगा, प्रकाश तो रहेगा ही है कि नहीं। इसी प्रकार साक्षी का जैसे दग्धा इव उपलब्धा उच्यते है ना, जैसे कह दिया दग्धा, अग्नि को दग्धा बोल देते हैं, अग्नि जलाती है तो जलाना कहने से उसका कोई उसकी कोई क्रिया हो गई ऐसी बात नहीं है, तात्पर्य है क्या क्रिया हो गई। हाँ जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है तो प्रकाश उसमें कोई क्रिया हो गई क्या, प्रकाश तो उसका स्वरूप ही है। सूर्य जलाता है, सूर्य बहुत तपता है बोलते कि नहीं, अग्नि जलाती है तो उसमें कोई क्रिया हो गई क्या, प्रकाश तो उसका स्वरूप है, दहन तो उसका स्वरूप है, इसी प्रकार से कह दिया हो गया। अच्छा जी, उक्तम अर्थम ही अर्थ को संक्षिप्य आह संक्षिप करके कहते हैं श्रोत्रादिशु अति, भाष्य में देखो श्रोत्रादिशु श्रोतृत्वादि उपलब्धिर अनित्या नित्या च आत्मनि, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि अक्षराणाम अर्थानुगमात् उपपद्यते निर्विशेषस्य उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनो मन आदि प्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति, ये बोलते हैं। देखो देख कहाँ से चल रहा है, भाष्य चल रहा है टीका चल रही है, भाष्य चल रहा है okay. श्रोत्रादिशु श्रोतृत्वादि उपलब्धि, श्रोत्रादि हो गए इंद्रिय, उसमें चिदावास का संबंध हुआ है कि नहीं, इसलिए उसको कहते हैं श्रोतृत्व। श्रोतृत्व बोले सुनने वाला देखने वाला, इसलिए श्रोतृत्वादि उपलब्धि, ठीक है ना। ये उपलब्धि मतलब ज्ञान, उपलब्धि कैसा हुआ, अनित्य हुआ, क्या हुआ उसमें अनित्य हुआ, समझ में आया कि नहीं। बोला उसमें जो चैतन्य है अनित्य चैतन्य है, ठीक है। और नित्याच आत्मनि, और आत्मा में जो उपलब्धि है वो उपलब्धि कैसी है, नित्य है। बोला आत्मा का जो चैतन्य है वो तो नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है, अतः इसलिए जो है इस अभिप्राय से कह दिया श्रोत्र का श्रोत्र, ठीक है। तो मुख्य श्रोत्र कौन हो गया, आत्मा, हाँ वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, उसका संबंध होने से इंद्रिय को भी क्या कह दिया, श्रोत्र कह दिया, आया समझ में। मतलब श्रोत्र में जो सामर्थ्य है वो आत्मा के कारण है, हो गया ना। इत्यादि अक्षराणाम, इत्यादि जो अक्षर है मतलब वाक्य पद मंत्र, उसका जो अर्थ है उसका अनुगम हो गया, पहले आत्मा में कह दिया श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, प्राण का प्राण, हो गया ना, इसलिए उपपन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनादि में इंद्रियों में जो सामर्थ्य है ना, जो प्रवृत्ति हो रही है मनादि में, उसका निमित्त कौन है, आत्मा है, उसका निमित्त आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन वो आत्मा सविशेष है कि निर्विशेष है, निर्विशेष आत्मा, निर्विशेष है, उसमें कोई गुण धर्म क्रिया जाति कुछ नहीं है, निर्विशेष जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, वही होता है निमित्त, सत्ता मात्र से निमित्त है, कुछ करता होगा आत्मा ऐसी बात नहीं है, ये बोलते। देखो निर्विशेष भाष्य चल रहा है, कौन सा पेज, एक ही से कि बाईस, तेईस चल रहा है,
हाँ 23 है। निर्विशेषस्य, आत्मा जो निर्विशेष है, और उपलब्धि स्वरूपस्य, उपलब्धि ही स्वरूपम यस्य, इसका स्वरूप उपलब्धि है। उपलब्धि मतलब यहाँ पर ज्ञान, उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। जैसे आपको ब्रह्म की उपलब्धि हुई, मतलब ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ठीक है, साक्षात्कार। और यहाँ पर उपलब्धि स्वरूप कहने से नित्य नित्य चैतन्य, पर नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान स्वरूप जो है निर्विशेष आत्मा, यही आत्मा ही निमित्त है। निर्विशेष जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यही निमित्त है। किसके लिए? मन आदि प्रवृत्ति निमित्तत्व, मन आदि में जो प्रवृत्ति हो रही है अपने अपने व्यापार के लिए, उसका निमित्त हो गया आत्मा, निर्विशेष आत्मा। सत्ता मात्र से, आत्मा रहने मात्र से ही, आत्मा रहने मात्र से ही मन आदि में प्रवृत्ति हो जाती है, मन आदि में सामर्थ्य हो जाता है। आए समझ में? ये बोल रहे हैं, थोड़ी सी टीका ले लो पूर्व पन्ने में, 21 नंबर। सूत्रादिषु निमित्तेषु सत्सु सूत्रादि संहते प्रमातरी सूत्रित्वादि रूपो उपलब्धिर इति उपलब्धित्वम इत्यर्थः। देखो, सूत्रादि हो गए निमित्त, करण करण, सूत्रादि क्या हो गए? करण हो गए, ठीक है ना। श्रोत्र है, चक्षु है, वाक है, ये सब ले लो, ये हो गए निमित्त, करण, निमित्त लो करण। यहाँ पर ये होने से श्रोत्रादि संहते प्रमातरी, जो प्रमाता है ना चिदावास, जो चिदावास है ना, ये सब मिला करके चिदावास होता है। इंद्रिय है, मन है, चिदावास है, सब मिला कर होता है। ये लोग कहते हैं श्रोत्रादि संहता, श्रोत्रादि करणों का जो समुदाय है, ठीक है ना, यही होता है प्रमाता। प्रमातरी मतलब प्रमाता में, चिदाभास में, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है? श्रोतृत्वादि रूप उपलब्धि, उसमें अनित्य ज्ञान आ रहा है ना। मतलब देखना, सुनना, जानना, इसी का नाम है उपलब्धि यहाँ पर, अनित्य ज्ञान, ठीक है ना। इसलिए ये चिदाभास को क्या कह दिया? उपलब्धित्वम, इसलिए उसको कहते उपलब्धि, इसलिए उसको चेतन कह दिया। किसको कह दिया? चेतन, चिदाभास को, चिदाभास को चेतन कह दिया इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मनसो मनः इत्यादिषु एवं अतिदिशति, इसी प्रकार मन का मन, यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए। श्रोत्र का श्रोत्र मतलब क्या हुआ? जिसके कारण श्रोतेंद्रिय में सुनने का सामर्थ्य है, वही हो गया श्रोत्र का श्रोत्र, हो गया ना। तो श्रोत्र का श्रोत्र में जैसा अर्थ किया आपने, इसी प्रकार मन का मन में भी ऐसे ही करना है ना। जिसके कारण मन में मनस्त्व है, मतलब मन में सामर्थ्य है, संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है, जिसके कारण है, वही आत्मा हो गया मन का मन। ऐसे में जिसके कारण वाक इंद्रिय में सामर्थ्य है, शब्द प्रवृत्ति में, वो हो गया वाणी की वाणी। जिसके कारण प्राण में सामर्थ्य है क्रिया करने के लिए, है कि नहीं, वो हो गया आत्मा प्राण का प्राण, ऐसा समझना है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक आया है गया। देखो ये बोलता हूँ, ये वेदांत कठिन कहाँ है? वेदांत एकदम सरल है। वेदांत जैसा कोई सरल है ही नहीं, ठीक। आज लोग घबरा जाते हैं भाई, भागवत पढ़ना है कि नहीं, पुराण पढ़ना है, नहीं तो लोग आजकल गीता पढ़नी है ना। हाँ, लोग बोलते हैं गीता पहले से पढ़ लो, गीता पहले पढ़नी चाहिए भी, बताओ, ऑनलाइन सुनने वाले बताओ कोई, पहले उपनिषद पढ़ना चाहिए कि पहले गीता पढ़नी चाहिए, बताइए।
गीता नहीं पढ़नी चाहिए? क्या जी? गीता, गीता पढ़ने से जो है ना भ्रांति ज्यादा होती है। गीता आपको सरल लगता है, शब्द शब्द सरल है, अर्थ सरल नहीं है, इसलिए गीता पहले नहीं पढ़नी चाहिए। गीता तो सार है, सार है। उपनिषदों का सार क्या है? गीता है। तो सार को कौन ग्रहण करेगा? सार को ग्रहण कौन करेगा? जो उपनिषद पढ़ ले, जो उपनिषद पढ़ लिया वही सार को ग्रहण करेगा। कैसे करेगा? नहीं तो ग्रहण नहीं कर सकता है। हाँ, उपनिषद के सिद्धांतों को जो समझ लिया, उनमें क्या क्या सार है उसको ग्रहण कर लो, बाकी को छोड़ दो। कहने का अभिप्राय है जो महत्व है उसको ग्रहण करो, बाकी को छोड़ दो। हाँ, लेकिन क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, तो कैसे पकड़ में आएगा? वही ना है, इसलिए पूरे को पढ़ोगे पहले, तब फिर उसमें जो महत्व है सार सार उसको जीवन में लाओ, बाकी को नौलाने से भी काम चलेगा। तो जो पहले पढ़ा नहीं, सीधा सार को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ोगे सार को? नहीं समझ सकते। ठीक है, ये सिद्धांत है भाई, परंपरा ये। अच्छा, आगे चलो। मन आदिशु एवं चतुक्तम, मन आदि में भी ऐसा ही अर्थ कहा गया है। चतुक्तम जैसे सूत्र आदि में कहा गया ना, मन में भी ऐसे ही कहा गया है। आगे बोलते हैं, देख थोड़ी टीका है। न्याय सामान्याद, ये न्याय जो है ना समान है, सर्वत्र समान ही हो गया, ठीक। क्यों जो जड़ पदार्थ होगा ना, जो जड़ पदार्थ होगा वो आत्मा नहीं हो सकता है, उसमें सामर्थ्य अपना नहीं होगा, है कि नहीं? ये है न्याय है। न्याय सामान्या यथोक्तम व्याख्यानम द्रष्टव्यम, जैसा व्याख्यान पहले कहा गया ऐसा ही समझना चाहिए मन आदि में भी। इसको थोड़ा स्पष्ट बोलते थे। इधर देखो, नहीं मनसो मनस्तम वाचो वाक्तम वा स्वातंत्रण संभवती। ये देखो, मन में जो मनस्त्व है, मन में जो सामर्थ्य है, मतलब संकल्प विकल्प करने का सामर्थ्य, वाणी में जो वाक्तव्य है, सुनने का सामर्थ्य, ये बोलने का सामर्थ्य, स्वतंत्र है क्या इसमें? नहीं, स्वतंत्रता नहीं। क्यों नहीं है? जड़ है, जड़। ये सब मन आदि में चेतन कौन है? मान, वाणी है, ये सब कोई चेतन है इसमें? नहीं। सब जड़ है, जी। जड़ है। आज जड़ जो पदार्थ होगा वो सत्य होगा कि मिथ्या होगा? मिथ्या, मिथ्या है ना, देखो लिखा। अध्यस्तत्वा, जड़ होने से अध्यस्त है। आज अध्यस्त जो होगा वो स्वतंत्र नहीं होगा, है कि नहीं? तो उसमें जो अधिष्ठान होता है, अध्यस्त का कोई अधिष्ठान होता है, कोई रस्सी हो तो उसमें सर्प दिखेगा, पर्दा हो तो चित्र दिखेगा, नहीं? इसलिए कह रहे हैं, तो अध्यस्त पदार्थ में जो सत्ता होती है, अध्यस्त पदार्थ में जो प्रकाश होता है, वो अधिष्ठान के कारण होता है कि नहीं? बिना अधिष्ठान का अध्यास नहीं होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में कहा है। अध्यास वस्तु में सत्यादृत्य मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक विभार है कि नहीं? यथा सर्प में रस्सी, जैसे सर्प में जो सत्ता आती है वो रस्सी के कारण आती है, है ना? क्या है सर्प में जो सत्ता? हाँ, रस्सी के कारण है, ठीक है। हाँ, और प्रकाश भी, प्रकाश भी रस्सी के कारण, ऐसा है क्या? वास्तविक वास्तविक सर्प का अधिष्ठान रस्सी नहीं होती है, चेतन होता है। जिस चेतन में रस्सी कल्पित है उसी चेतन में सर्प भी कल्पित होता है। ये तो आप शरीर में आम बुद्धि करके लगता है कि मेरे से रस्सी भिन्न है। आज शरीर में अध्यास को छोड़ो तो क्या आप व्यापक हो, परिचिन्न नहीं हो, आया? इसलिए मैं भिन्न हूँ, रस्सी भिन्न है, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है,
एक ही चेतन है, एक ही सत्य है। इस शरीर में जो अस्थि है वही अस्थि रस्सी में है, अहम अस्मि रज्जुर अस्थि। देखो है कि नहीं है, ये शरीर में जो सत है रस्सी में भी वही सत है, सुनते हो? हाँ, एक ही, अलग अलग नहीं समझना। इसलिए कह रहे अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त में सत्ता है। अधिष्ठान जो प्रकाश है, साक्षी जो साक्षी है वही सत है, जो साक्षी वही प्रकाश है। इसलिए अधिष्ठान जो सत है, साक्षी और प्रकाश, उसके कारण अध्यस्त में है। ये तो लिखे आगे सत्ता प्रकाशत्व मनादेहे। इसलिए मनादि भी अध्यस्त पदार्थ है, सत्य नहीं है, है कि नहीं? इसलिए मन सत्य नहीं है, मन अध्यस्त है। इसलिए अधिष्ठान का साक्षात्कार जिसको हो गया, मन का भी बाध हो गया। जब मन का जो बाद हो गया, तो मन में जो क्रिया आदि होगी ना जीवन मुक्त महापुरुष में, क्रिया तो हाँ, वो भी क्या सत्य है कि मिथ्या? वो भी मिथ्या होगा, है कि नहीं? अरे मान लीजिए भोजन का समय आ गया, अरे भाई भोजन का समय हो गया, दो रोटी दे दे, नारायण हरी बोल दिया, है ना? नारायण हरी बोल दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? खाने की इच्छा हो गई, भूख लग गई तो खाने की इच्छा हो गई, तो खाने की इच्छा हो गई तो क्या है? ज्ञानी ही क्या ज्ञानी है? यह तो ज्ञानी, इच्छा तो मन में हो रही है, क्योंकि मन भी बाधित है, मन में होने वाली क्रिया भी बाधित है। जैसे स्थूल शरीर भी बाधित हो गया, स्थूल शरीर का जो क्या है धर्म, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व है, गृहस्थ कार्यस्थ है, सन्यासी है, समझ में ना? हाँ, कोई जीवन मुक्त महापुरुष है, ज्ञानी है, और बोल दिया कि मैं सन्यासी हूँ, क्या हाँ तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूँ, तो क्या उसमें भेद बुद्धि है कि नहीं? भेद बुद्धि तो है, भेद बुद्धि है, तो फिर ज्ञानी है क्या ज्ञानी है? ज्ञानी है, वो जानता है कि शरीर का है। मनुष्यत्व, सन्यासीपना, गृहस्थपना, ये तो शरीर का होता है, ऐसे नहीं। इसलिए मन को भी समझना चाहिए, ठीक, ऐसा होता है, ठीक है ना? हाँ, तच्च अधिष्ठानम निर्विशेषम एव उपलक्षितव्यम। इसलिए जो अधिष्ठान है, मनादि का जो अधिष्ठान है, वो निर्विशेष है, वो सविशेष नहीं है, क्योंकि तो उसमें किसी का संबंध नहीं हो रहा है ना। अधिष्ठान में किसी का संबंध नहीं होगा। अधिष्ठान यदि सविशेष होगा ना, तब तो वो भी अध्यस्त हो जाएगा। अधिष्ठान भी सविशेष हो जाए, वो भी क्या होगा? निर्विशेष है। अधिष्ठान यदि सविशेष हो जाए, वो तो वो भी स्वयं मिथ्या होगा, अध्यस्त हो जाएगा। इसलिए अधिष्ठान हमेशा क्या होता है? निर्विशेषम, अधिष्ठान निर्विशेष होता है। हाँ, इसको जरा समझ कर रख लो सिद्धांत को। अधिष्ठान किसका अधिष्ठान? किसी का भी अधिष्ठान हो, अधिष्ठान हमेशा निर्विशेष होता है, सविशेष नहीं होता है। सविशेष मानेंगे तो स्वयं मिथ्या हो जाएगा, अध्यस्त हो जाएगा, ये कह रहे हैं। इसलिए उसको उपलक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, हो गया ना? ऐसा होता है। इसलिए यद यत सविशेषम तत्त मिथ्या, हो गया कि नहीं? ऐसा होगा। अच्छा, आगे लिखें, देखो इसी चीज़ को तो कह रहे हैं। विशेषवत्व पाठांतर आपके पुस्तक में क्या है भाई? विशेषवत्व है कि सविशेषत्व है? अच्छा, हाँ, कहीं कहीं सविशेषत्व भी है, पाठांतर है, अर्थ एक ही है। सविशेषत्व कहो अथवा विशेषवत्व कहो, अर्थ एक ही है, ठीक है? बोले विशेष वाला, बोले सविशेष यदि हो जाएगा अधिष्ठान, तब तो अध्यस्त हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। ये कह रहे अध्यस्तत्व प्रसंगाद इति भाव, ठीक। अच्छा, अब कहते हैं वाचोह वाचम प्राणस्य प्राण इत्यादि विभक्ति द्वयम
सर्वत्र एव द्रष्टव्यम्। थोड़ा म्यूट करो तो वे किसका है, थोड़ा म्यूट कर दे तो अच्छा है। तो कहते हैं वाचोह वाचम कहा, आत्मा को कह दिया वाणी की वाणी, प्राण का प्राण। तो यहाँ पर क्या समझना चाहिए, विभक्ति द्वयम्, दो विभक्ति समझनी चाहिए। लेकिन पौधभाष्य में जो कहा था वो अलग प्रकार से कहा था, पौधभाष्य में जो था है, क्योंकि ये मंत्र जो है ना मूल मंत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम, देख मंत्र देख 16 नंबर में श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यहाँ पर जो श्रोत्रम है वो प्रथमांत है ना, प्रथम व्यक्त्यंत है। मनोसो मनहा, यहाँ पर जो मनहा आगे वो भी प्रथमांत है, और आगे जो कहा वाचोह वाचम ये द्वितीयांत है वाचम, उसको प्रथमा में लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी प्राणस्य प्राणः, प्राणः प्रथमांत है, चक्षुस्य चक्षु, चक्षु प्रथमांत है। अरे बीच में जो आया वाचोह वाचम जो द्वितीयांत है उसको प्रथमा विभक्ति में लेनी चाहिए, ऐसा पौधभाष्य में था। लेकिन वाक्य भाष्य में कह रहे हैं अलग प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं, है ना। तो किस प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं मैं थोड़ा पहले बोल दूँ, आगे भाष्य चलाएंगे। ये जो बीच में है देखो कहाँ है, वाचोह वाचम, वाचा में विभक्ति क्या है द्वितीया का एक वचन, उसको वाक भी कर लो, बोले दो पद लेना है, वाचम द्वितीयांत है ही और एक पद लेना चाहिए वाक, ठीक है ना। इसी प्रकार से श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्रम क्या है यहाँ पर प्रथमांत है, उसको दो बार करो श्रोत्रम श्रोत्रम, और एक सूत्रम को प्रथमांत करो और एक सूत्रम को द्वितीयांत करो। इसी प्रकार मनसो मनहा, ये मनहा प्रथमांत में भी मना बनता है, द्वितीयांत में भी मना, मतलब मना मना दो बार कर लो, एक प्रथमांत एक द्वितीयांत। इसी प्रकार से प्राणसो प्राणस्य प्राणहा, प्राण प्रथमांत है द्वितीयांत करेंगे तो प्राणम, बालक का बालकम, प्राणों का प्राणम होगा, पुलिंग है ना। आगे देखो चक्षुषा चक्षु हो, चक्षु हो क्या है प्रथमांत है, उसको फिर द्वितीयांत करो, वहाँ पर चक्षु ही बनता है, नपुंसकलिंग है। ये सभी में दो दो विभक्ति करनी चाहिए, कितनी विभक्ति करनी चाहिए, दो दो विभक्ति करनी चाहिए। आया समझ में आप लोगों को, यही यहाँ पर कह रहे हैं। तो विभक्ति द्वयम् सर्वत्र एव द्रष्टव्यम्, सर्वत्र दो दो विभक्ति समझनी चाहिए, भाष्यकर बोल रहे हैं। ठीक, कथम ऐसा क्यों करना है ना, ये प्रश्न पूछा गया, कथम दो दो विभक्ति क्यों करनी है, इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। देखो क्या उत्तर है, स्वरूप निर्देश है, क्योंकि स्वरूप का निर्देश करना है ना, जो पूछा ठीक है वो पूछा है ना, कौन इसको प्रेरित कर रहा है, वो प्रेरित करने वाला कौन है, श्रोत्र आदि को इंद्रियों को प्रेरित करने वाला कौन है, मतलब उसका स्वरूप क्या है। जब स्वरूप पूछा गया तो उसका उत्तर तो देना है, तो प्रथमांत शब्द से देना पड़ता है, क्या प्रथमांत शब्द से देना पड़ता है। देवदत्त कौन है, देवदत्त कौन है, तो प्रथमांत शब्द से दोगे कि द्वितीयांत से दोगे, देव प्रथमांत देवदत्त कौन है, ब्राह्मण, हाँ ऐसा बोलना पड़ेगा कि ब्राह्मणम, ब्राह्मण देवदत्त ब्राह्मण, हाँ प्रथमांत देना पड़ेगा, है कि नहीं समझ में, ठीक है क्या, हाँ राम इसी पे कर, हाँ ये तुम्हारे कौन है, बोले मामा गुरु हो कि गुरुम, क्या बोलना पड़ेगा, गुरु बोलना पड़ेगा, मामा गुरु हो, मामा आचार्य हो, ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि स्वरूप पूछ रहा है ना, ये कौन है इसका स्वरूप क्या है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। स्वरूप निर्देश, स्वरूप निर्देश प्रथमया एव च निर्देश, है ना, स्वरूप का ये निर्देश करना है, मतलब उपदेश करना है, ज्ञान कराना है, तो प्रथमा विभक्तांत से ही निर्देश किया जाता है,
ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा जी, थोड़ी सी अब टीका में देख। अभी मनादे है प्रवर्तक किम स्वभाव इति पृष्ठत्वा, ये तो पूछा था ना, ये मनादि को आदि से क्या लोगे, इंद्रिय चक्षुरद इंद्रिय, मन है इंद्रिय है, इसको प्रवृत्त कराने वाला वो कौन है, उसका क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, स्वभाव मतलब स्वरूप, इति पृष्ठत्व, क्योंकि ऐसा पूछा है, या ऐसा शिष्य ने पूछा है, इसलिए उसका निर्देश करेंगे तो किससे करोगे, स्वरूप निर्देश कर्तव्य, उसके स्वरूप का निर्देश करना चाहिए, हाँ, कि दूसरा कुछ कहानी सुनानी चाहिए, वो तो स्वरूप को जानना चाहता है, हैं, स्वरूप को जानना चाहता है तो स्वरूप का ही उपदेश करना चाहिए, हैं, ऐसा नहीं कि कहानी जोड़ करके टाइम पूरा कर दो, ऐसा ही क्या ऐसा है, अरे ऐसे ही करते हैं और क्या करते हैं, है कि नहीं, कथा आदमी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, इशारा कर देते हैं संगीत वाले को, संगीत चालू करो, ठीक, ऐसे करते हैं, कथा जम जाए, हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, कुछ भूल गए कुछ कर लिए, हाँ बस बिठाला बोल देंगे भाई, उधर चालू हो जाता है फिर क्यों ऐसे हो जाता है जी वारकरी संप्रदाय में मैं निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे होता है कह रहा मैं अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि हम देखे हैं ना सब। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं भाई, सच्चा प्रथमया, ये स्वरूप का निर्देश प्रथमा व्यक्तांत से करते हैं, प्रथमया, प्रथमा शब्द का तृतीय वचन क्या बनेगा, प्रथमया बनेगा, प्रथमया प्रथमा विभक्ति से। आगे नियम देखो, निर्देश से प्रथमा प्रोक्ता इति स्मरणात् इत्यर्थ, टीका चल रही है, निर्देश करने में किसी स्वरूप का यदि निर्देश करना हो, उपदेश करना हो, बोध कराना हो तो प्रथमा प्रोक्ता, मतलब प्रथमा का अर्थ, प्रथमा किसको कहते हैं, एक वचन को प्रथमा बोलते हैं, एक वचन को प्रथमा बोलते हैं, सु औ जस इति प्रथमा, सु औ जस इति प्रथमा, है कि नहीं, ये प्रथमा व्यक्ति है, प्रथमा मतलब प्रथमा व्यक्ति, ठीक है, तो स्वरूप का निर्देश करने में प्रथमा प्रवक्ता मतलब प्रथमा विभक्तांत पद कहना चाहिए, इति स्मरणात्, ऐसा आचार्य ने कहा है, ओके कि नहीं, अच्छा, और भाष्य देख थोड़ा सा, तस्य च ज्ञेयत्वात्, आ स्वरूप होता है जानने योग्य, क्या स्वरूप होता है जानने योग्य, ठीक है ना, हाँ, तो कर्मत्वम इति द्वितीया, द्वितीयांत क्यों करना है, क्योंकि उसको जानना है ना, जिसको जानने से आत्मा की, जिसको जानने से अज्ञान की निवृत्ति होगी, है कि नहीं, इसलिए ज्ञान का कर्म हो गया, क्या ज्ञान का कर्म हो गया ना, आज कर्मणि द्वितीया है ना, कर्मकारक, कर्मकारक में क्या होती है, द्वितीया भक्ति होती है, पकड़ में है कि नहीं, ऐसा कहा, कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्मणि द्वितीया, कर्मकारक यदि अनुक्त हो जाएगा तो द्वितीया भक्ति होती है, उक्त होने पर प्रथमा होती है, ये सब व्याकरण का नियम है। चलो आगे, ज़्यादा व्याकरण बोलने से सब लोग नहीं समझ पाएंगे ना, और तो वाचो वाचम, इसलिए वाचो वाचम कह दिया, प्राणस्य प्राणः इति अस्मात् सर्वत्रैव विभक्ति द्वयम्, इसलिए दो दो विभक्ति करनी चाहिए, वाचो वाचम दो विभक्ति कैसे करोगे, वाचो वाचम वाक, वाचम भी तो है ही, वाक भी बोलना पड़ेगा, प्राणस्य प्राणः, ठीक है, प्राणस्य प्राणः प्राणम, तो क्या अर्थ निकलेगा, मंत्र में देख बताता हूँ, मंत्र में देख तो समझ में आएगा तेरे को क्या बोलना चाहता हूँ मैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, एक प्रथमांत आने से वो आत्मा का स्वरूप हो गया, आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है, सुनते हो,
और द्वितीय अंत करने से क्या होगा, श्रोत्र का जो सत्र है उसको जान करके, क्या है उसको जान करके धीराहा धीराहा अतिमुच्य अतिमुच्य, मतलब सूत्र आदि में आत्मबुद्धि को त्याग करके इस शरीर को छोड़ करके क्या होता है, फिर विधिया मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है, ऐसा अर्थ करना है। आया पकड़ में कि नहीं आप लोगों को, इसमें का सर्वत्र करना है, ठीक है। प्रथमांत विभक्त अंत है स्वरूप का, द्वितीय अंत से जान करके, उसको जान करके है कि नहीं, मतलब ज्ञान का कर्म, ज्ञान का विषय हो जाएगा ब्रह्मा, ये बोलते हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसलिए भाष्यकर कहते हैं इति अस्मा सर्वत्रैव विभक्ति द्वयम्, इसलिए सर्वत्र दो दो विभक्ति समझनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी टीका है, अतिमुच्च धीराहा, ऐसा कहा अतिमुच्च धीराहा प्रत्यय अस्माद लोकात अमृता भवंती, ये जो है उत्तर वाक्य है, इसको थोड़ा अध्याहार करके घटा रहे हैं, साध्याहारम जो जो थी, ठीक, अध्याहार के साथ ऐसा जो वाक्य है उसको घटा रहे हैं। देखो भाष्य कैसे कह रहे, यतेत सूत्रादि उपलब्धि निमित्तम सूत्रस्य सूत्रम इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम निर्विशेषम आत्मतत्वम बुद्ध्वा, ये जो बुद्ध्वा है ना, ये अध्याय हो गया, क्या बुद्ध्वा शब्द नहीं है मंत्र में लेकिन अध्याय कर दिया, उसको जान करके, ठीक है ना, किसको जान करके, जो सूत्रादि में जो उपलब्धि है, मतलब सूत्र आदि में जो चैतन्य आ रहा है, वो चैतन्य का जो निमित्त है, क्या चैतन्य का जो निमित्त कौन हो गया, वो आत्मा है, उसको कह दिया सूत्र का सूत्र इत्यादि लक्षणम इत्यादि शब्द से, ठीक है ना। हाँ, जो कहा गया वो कौन है, नित्य उपलब्धि स्वरूपम, वो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, हो गया कि नहीं। ये सूत्र का सूत्र कह के लक्षण बतला दिया, किसका लक्षण है, आत्मा का लक्षण बता दिया सूत्र का सूत्र, है कि नहीं, ये लक्षण वाक्य हो गया, सूत्र सूत्र से सूत्रम मनसो हो मन, ये लक्षण हो गया किसका, आत्मा का। देखो लिखे आगे, नित्य उपलब्धि स्वरूपम वो निर्विशेषम आत्मतत्वम, वो निर्विशेष आत्मतत्व है, उसको जान करके बुद्ध्वा, ये बुद्ध्वा हो गया ये अध्याहार, उसको जान करके, उसको साक्षात्कार करके, ठीक है, हाँ साक्षात्कार करके। आगे देखो क्या लिखा है, अतिमुच्च अनाबो अतिमुच्च अतिमुच्च, क्या लिखा है आगे, हाँ आगे ठीक है, अनवबोध निमित्त अध्यारोपितात् बुद्ध्यादि लक्षण संसारात् मुक्षणम कृत्वा, इसका विजय थोड़ा कल करेंगे, थोड़ा समय हो गया तो कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णं